सो लेक्चर नंबर 9। इस लेक्चर च असी डिस्कस करांगे एप्लीकेशन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ गैलस थ्योरी दी। नाउ इन दिस एग्जांपल वी विल फाइंड द गैलस ग्रुप ऑफ ए पॉलिनोमियल दिस एंड इफ के इज स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ ए फंक्शन एफ एक्स ओवर क्यू then find all subfield of K containing Q, ठीक है जी। सो ये सारा असी डिस्कस किदे विच कीता, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ गैलस थ्योरी च डिस्कस कीता। सो बाकी चीज़ां असी ऑलरेडी कर चुके हैं, सो ये तुहाडी रिविजन भी हो जाएगी, आपां डिस्कस भी कर ले। हुण अगर मेरे कोल जिहड़ी पॉलीनोमियल दित्ती है एफ एक्स, ये देखन तो ही लग रहा कि यह इरेड्यूसीबल नहीं है, माइनस फाइव एक्स स्क्वायर, फिर आ गया साढ़े को प्लस सिक्स, और इनू मैं फैक्टराइज कर सकता एक्स स्क्वायर माइनस थ्री और एक्स स्क्वायर माइनस टू, ठीक है जी। तो दिस एफ एक्स ये तो इरेड्यूसीबल नहीं है, अगर इरेड्यूसीबल नहीं है तो असी इनू दो इरेड्यूसीबल पॉलिनोमियल च लिख लिया प्रोडक्ट। सो ये साढ़े को बेसिकली दिस प्रोडक्ट इज रिड्यूसीबल ओवर क्या, क्लियर हो गया। हुण आपां इहदे रूट्स देख लईए, तो रूट साढ़े को आ गए दो, ये आ गए प्लस माइनस अंडर रूट थ्री, दूजे दे आ गए प्लस माइनस अंडर रूट टू, तो ये साढ़े कोल की आ गए रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल एफ एक्स, ठीक है जी। सो अंडर रूट थ्री के रूट्स आ गए साढ़े कोल, मिनिमल पॉलिनोमियल आ गई एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, और अंडर रूट टू की मिनिमल पॉलिनोमियल आ गई एक्स, अंडर रूट टू की मिनिमल पॉलिनोमियल आ गई एक्स स्क्वायर माइनस टू, दोनों की अलग अलग मिनिमल पॉलिनोमियल आ गई। अगर के मेरे को सपरेटिंग फील्ड है तो साढ़े को के किदा का हो जाएगा, क्यू जनरेटेड बाय दीज रूट्स अंडर रूट टू, फिर आया प्लस माइनस अंडर रूट थ्री, और ए जे प्लस का रूट है माइनस का विच होएगा, सो दिस कैन बी रिटन एज अंडर रूट टू कॉमा अंडर रूट थ्री, तो साढ़े को बराबर हो गया, ये स्प्लिटिंग फील्ड हो गया किदी उस पॉलिनोमियल दी एफ एक्स दी। अगर स्प्लिटिंग फील्ड हो गई तो असी इहदी डिग्री जिद्दां आपां ऑलरेडी कर चुके हैं, इहदी डिग्री साडे कोल चार आ जाती है, इहदी अंडर रूट टू दी मिनिमल पॉलिनोमियल कौन आ एक्स स्क्वायर माइनस टू है, और इहदी डिग्री दो आ, दो ही इहदी हो गई, तो टोटल डिग्री साडे कोल कितनी आ गई, चार आ गई। सो वन इज डिग्री ऑफ के ओवर क्यू, ये मैं डायरेक्ट इस करके कर रहा क्योंकि असी ऑलरेडी कर चुके हैं, ये चार के बराबर आ गए। नाउ अंडर रूट टू साढ़े को रूट कि रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस टू, और अंडर रूट थ्री साढ़े को रूट किस इक्वेशन का, ये है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री। सो ये साढ़े को पॉसिबिलिटीज़ केड़ियाँ आ गई, एक आ गई अंडर रूट टू, दूजी आ गई माइनस अंडर रूट टू, और जिहड़ी साढ़े कोल दूसरी है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, इहदी पॉसिबिलिटी आ गई अंडर रूट थ्री एंड माइनस अंडर रूट थ्री। सो दिस आ गया। हुण वट इज़ की जिहड़ी स्प्लिटिंग फील्ड असी फाइंड आउट की, इट इज़ ए फाइनाइट एक्सटेंशन, बेसिस भी आपां लभ सकदे हां, जे फाइनाइट है सैपरेबल एक्सटेंशन भी होगी, क्योंकि एज करैक्टरिस्टिक ऑफ क्यू ये कि बराबर आ, जीरो के बराबर आ, तो साढ़े को किदा हो गई, एक होया फाइनाइट, दूजा होया सैपरेबल, ठीक है जी, एक्सटेंशन हो गई, एक्सटेंशन ऑफ क्यू है, जे फाइनाइट सैपरेबल एक्सटेंशन ऑफ क्यू है तो के साढ़े को एक्सटेंशन हो गई,
नॉर्मल एक्सटेंशन। अगर नॉर्मल एक्सटेंशन हो गई क्यू दी द ऑर्डर ऑफ जी के क्यू विच इज़ इक्वल टू डिग्री ऑफ के क्यू किदे बराबर आ गया 4 दे बराबर आ गया। तो तुहाडे कोल 4 आटोमोरफिजम आ गई हैं और 4 आटोमोरफिजम किदा डिफाइन करी दी हैं जिदा आपां पहला भी किया सी। पहले दी बेसिस बनी 1 अंडर रूट 2, दूजे दी बेसिस बनी 1 अंडर रूट 3 और के दी बेसिस बन गई 1 अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 फिर दोनों का प्रोडक्ट अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 सो अंडर रूट 6 भी लिख सकते हैं। तो अगर तुसी कोई एक्स के दे विच्चों लिया तो तुसी एक्स नू रीप्रजेंट कर सकते हैं बीटा नॉट प्लस अंडर रूट 2 बीटा 1 अंडर रूट 3 बीटा 2 अंडर रूट 6 बीटा 4 और बीटा आई किन बिलोंग करता क्या हूँ जिदे ते फिक्सड होएगा जिदे ते साड़ी आटोमोरफिजम फिक्सड हो जाएगी। एक्स नू रिप्रेजेंट कर लिया सो अगर मेरे कोल कोई सिग्मा मैं जी के क्यू दे विच लिया तो सिग्मा ऑफ एक्स नू मैं की रिप्रेजेंट कर सकता एक आ गया साड़े कोल बीटा नॉट फिक्सड ही है प्लस साडे कोल बीटा 1 सिग्मा ऑफ अंडर रूट 2 फिर आया बीटा 2 सिग्मा ऑफ अंडर रूट 3 फिर आया बीटा 4 3 सिग्मा ऑफ अंडर रूट 6 ठीक है जी। तो सिग्मा ऑफ अंडर रूट 2 दी पॉसिबिलिटीज 2 आ गई हैं और सिग्मा ऑफ अंडर रूट 3 दी भी पॉसिबिलिटीज 2 आ गई हैं। तो साढ़े को आटोमोरफिजम केड़ी केड़ी हो गई सो अंडर रूट 2 दी दो पॉसिबिलिटीज़ आ एक अंडर रूट 2 ते जाएगा एक अंडर रूट 2 दी पॉसिबिलिटीज़ है माइनस अंडर रूट 2 ते जाएगा। सो पहला अंडर रूट 3 नू यूज़ कर लिए इहदियां भी दो पॉसिबिलिटी है सो पहली पॉसिबिलिटी यूज़ की सो दिस इज अंडर रूट 3 हम दूजी पॉसिबिलिटी यूज़ करनी सो एक बारी उपरली इक्वेशन फिर लिख लिया मैं अंडर रूट 2 फिर आ गया माइनस अंडर रूट 2 हम दूजी पॉसिबिलिटी अंडर रूट 3 दी यूज़ की सो दिस इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3 एंड दिस इज अंडर रूट 3 इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3 एदा नाम रखो सिगमा 1 एदा रखो सिगमा 2 एदा रखो सिगमा 3 एदा रखो सिगमा 4 तो तुहाडे कोल 4 आटोमोरफिजम आ गई हैं और जी के क्यू जी के क्यू इहदे विच 4 आटोमोरफिजम कहड़ियां आ गई हैं सिगमा 1 सिगमा 2 सिगमा 3 सिगमा 4 सो एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 इज ए अबेलियन सो इहदे बारे सानू पता ही है पर आपां हुण सब फील्ड फाइंड करनी है। सो मेन साडा जिहड़ा काम है वो है सब फील्ड फाइंड करना कि जिहड़ी साडे कोल क्यू तो उत्ते होवे और नाल दे नाल साडे कोल हुण अगर मैं सब फील्ड की गल करा अगर असी सब फील्ड की गल करिए सो सब तो बड़ी फील्ड की है इत्थे मैं एक जमैट्री जी बना दिना सो सब तो बड़ी फील्ड की है के आ गई क्यू अंडर रूट 2 कॉमा अंडर रूट 3 दिस आ गया। इस तो बाद साढ़े कोल दो सब फील्ड आ गई एक आ गई क्यू अंडर रूट 2 एक आ गई क्यू अंडर रूट 3 फिर उस तो बाद साढ़े कोल जिहड़ी सब फील्ड आ वह क्यू आ गई सो मतलब क्यू इहदे थ्रू भी जा रही है क्यू इस दे थ्रू भी जा रही है। तो बेसिकली जिहड़ी क्यू ते के दे विच साढ़े कोल दो सब फील्ड हैगी आ। नाओ जिहड़ा साढ़े कोल दिस वैल्यूज़ है सिगमा 1 सिगमा 2 तुसी चैक करोगे सिगमा 1 स्केयर सिगमा 2 स्केयर
सिग्मा 3 स्केयर, ये साढ़े सिग्मा 1 स्केयर, सिग्मा 4 स्केयर, ये आइडेंटिटी के बराबर आ जाता। यदा मतलब इट इज़ ए क्लीन 4 सब ग्रुप, इट इज आइसोमोरफिक टू, आइसोमोरफिक टू। ये नाल दी आपां पहला भी एग्जाम्पल की सी, क्लीन 4 सब ग्रुप, 4 ग्रुप, ठीक है जी। सो क्लीन 4 ग्रुप दे साढ़े को आइसोमोरफिक हो जाता है। हुण आपां सब फील्ड किदां फाइंड करनी है, तो तुहानू फंडामेंटल थ्यूरम ऑफ होमोमोरफिजम क्या कहती है? फंडामेंटल थ्यूरम ऑफ होमोमोरफिजम कहती है कि एक पासे तो तुहाडे कोल सब फील्ड है जिहड़ी कि क्यू और कंटेन्ड इन साडे कोल ई विच इज़ कंटेन्ड इन के। एक पासे साडे कोल सब फील्ड है और सब फील्ड तुहाडे कोल कितनियां आ गए? 4, 1, 2, 3 ते 4, ठीक है जी। एक पासे सब फील्ड आ गई और दूजे पासे साढ़े को जी के क्यू आ गए, ये सब ग्रुप लैने और ये सब ग्रुप तो उन्हें सब फील्ड दे विच साढ़े को 1-1 कोरसपोंडेंस होएगी, उन्हें विच 1-1 कोरसपोंडेंस होएगी, ठीक है जी। सो ऑर्डर दे नाल डिपेंड करती साढ़े को चीज़। सो फस्ट मैं एक बारी पहला सिगमा नू चेक कर लिए, पहला साढ़े को आइडेंटिटी है सिगमा 1, दिस इज अंडर 2 तो अंडर रूट 2, अंडर रूट 3 तो अंडर रूट 3 असी आइडेंटिटी यूज कर लिया। उस तो बाद आ अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 ते जा रहा और नाल दे नाल अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3 ते जा रहा, ये सिगमा 3 आ गया। और सिगमा 2 की है अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2 ते और अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 ते सिगमा 2 आ गया, ठीक है। मतलब सिंपल जी गल याद रखनी, ये अंडर रूट 2 फिक्सड आ और ये अंडर रूट 3 फिक्सड आ, ठीक। ये दोनों ये अंडर रूट 3 भी है तो अंडर रूट 2 भी आ, मेरी गल नूं फॉलो करो। ये अंडर रूट 3 फिक्सड आ और ये अंडर रूट 2 फिक्सड आ, ये और ये साढ़े कोल कोई भी फिक्सड नहीं है पर दोनों का प्रोडक्ट फिक्सड आ, यानी कि ये तुहाडे कोल अंडर रूट 6 फिक्सड आ। इहदी मल्टीप्लाई करो तो अंडर रूट 6 आ जाएगा, इहदी मल्टीप्लाई करो तो तुहाडे कोल अंडर रूट 6 आ जाएगा, ये साढ़े कोल फिक्सड हो जाएंगे। क्लीयर हो गया? सो पहला तो इस चीज़ को चंगी तरह समझ लो। हुण मैं 1-1 कोरसपोंडेंस तुहानूं बना के दसन लगा। जे 1-1 कोरसपोंडेंस की गल करिए तो पहला तो सैट ऑफ ओनली आइडेंटिटी दिस आ गया, सब ग्रुप, सब ग्रुप किदा जी के क्यू का, उहदा एक पहला सब ग्रुप आ गया। जे सब ग्रुप आ तो इहदी 1-1 कोरसपोंडेंस किहदे नाल होएगी? इहदी 1-1 कोरसपोंडेंस होएगी साडे कोल क्यू अंडर रूट 2 कॉमा अंडर रूट 3। किदां पता लगा? क्योंकि अंडर रूट 2 भी इहदे ते फिक्सड आ, यानी ये सिगमा 1 आ और अंडर रूट 3 भी फिक्सड आ, तो ये किहदे नाल अटैच हो गया? क्यू अंडर रूट 2 अंडर रूट 3। फिर साडे कोल आइडेंटिटी का होना ही होना, उस तो बाद असी यूज़ कर लें सिगमा 2। हुण सिगमा 2 च तुसी देखते हैं अंडर रूट 3 फिक्सड आ, सो ये किहदे नाल आ गया? क्यू अंडर रूट 3। चैक कर लो, चाहे अंडर रूट सिगमा 2 दे विच कौन फिक्सड आ? सिगमा 2 च आ फिक्सड आ, तो सिर्फ उस फील्ड नाल इहदी इनवॉल्वमेंट हो जाएगी, दिस आ गया जी। उस तो बाद अगला, क्योंकि टोटल 4 ही आने हैं, आइडेंटिटी दे नाल साडे कोल आ गया
सिगमा 3। सो ये कौन फिक्स्ड आ अंडर रूट 2 आई थिंक। सो दिस इज क्यू अंडर रूट 2 आ जाएगा, चैक कर लें। सो चैक किया साढ़े को अंडर रूट 2 आ और सिगमा 4 दे विच अंडर रूट 2 भी फिक्स्ड नहीं है, अंडर रूट साढ़े को आई सिगमा 4 ये फिक्स्ड कौन आ, ये फिक्स्ड है क्यू अंडर रूट 6। अंडर रूट 2 अंडर रूट साढ़े को आ गया अंडर रूट 2 एंड अंडर रूट 3 कि आ गया अंडर रूट 6 आ गया। सो ये साढ़े को फिक्स्ड आ गया। सो वट इज़ दिस, ये साढ़े को आ गई के एच 1 लिख लो, इट इज़ ए सब फील्ड कॉरस्पोंडिंग टू दिस एच 1 ग्रुप। के एच 1 साढ़े को लिखना, लिख लो जे एनू आइडेंटिटी नू छड्डो। सो एनू असी लिख लीए क्यू अंडर रूट 3, ये साढ़े को फील्ड आ गई के एच 1। सो वट इज़ दिस, इट इज़ ए नॉन ट्रीवियल सब ग्रुप ऑफ जी के 1। वट इज़ एच 2 ऑफ दिस वैल्यूज, वट इज़ एच 3, एच 3 आ गया। तो ये साढ़े को फील्ड आ जाएगी के एच 2 और ये साढ़े को फील्ड आ जाएगी के एच 3। ठीक है जी। सो तीन फील्ड हो गई, ये आ गया प्रॉपर फील्ड। आ प्रॉपर नहीं है बट प्रॉपर फील्ड तीन आ गई, टोटल सब फील्ड कि 4। और तुसी सारे का ऑर्डर भी चैक कर सकते हैं। हम देखो इस फील्ड का क्यू के उत्ते डिग्री मिनिमल पॉलिनोमियल एक्स स्केयर माइनस 2 आ, तो ऑर्डर कि आ जाएगा साढ़े को। देखो इनू तुसी वेरीफाई भी कर सकते, मैं करके दिखाना। ये बेसिकली तुहाडे को ऑर्डर ऑफ एच 1, ये बेसिकली की होना डिग्री ऑफ के विद रिस्पैक्ट टू के एच 1, यही होएगा डिग्री ऑफ साढ़े को के एच 1। चाहे इतों कर लो तुसी के एच 1 नाल दे नाल के तो स्टार्ट आ, के एच 1 ते के दे नाल डिग्री आ जाएगी और वो मिनिमल पॉलिनोमियल ना चैक करोगे तो किन्नी आएगी 2। एच 1 का ऑर्डर भी किन्ना 2 दे बराबर आ। सो सिमिलरली एदा इंडेक्स भी 2 दे बराबर आ जाएगा और एच 2 का ऑर्डर भी किन्ना 2 दे बराबर। सिमिलरली के एच 3 का जिहड़ा के दे नाल है वो भी साढ़े कोल एग्जैक्ट आ जाएगा और इहदा ऑर्डर भी किहदे बराबर आ 2 दे बराबर आ। के एच 1 का यानी कि इत्थे मैं लिख सकदा के एच 1 का क्यू दे नाल ए भी 2 दे बराबर आ गया। सिमिलरली के एच 2 का क्यू दे नाल ए भी 2 दे बराबर आ गया। सिमिलरली के एच 3 का क्यू दे नाल डिग्री ए भी 2 दे बराबर आ गया। और सानू पता जिन्नियां भी डिग्री 2 वालियां फील्ड हुंदियां वो की हुंदियां नॉर्मल एक्सटेंशन। सो वट वी गैट के एच 1 कॉमा के एच 2 कॉमा के एच 3। सो वट इज़ दीज, दीज आर नॉर्मल एक्सटेंशन, नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ क्यू। सो सिंपल याद रखो कि जिहड़ी भी इक्वेशन दी डिग्री 2 आ गई वो हमेशा नॉर्मल एक्सटेंशन होनी ही होनी है। सो ये साढ़े को नॉर्मल एक्सटेंशन आ गई। सो इस ढंग दे नाल असी ऑलमोस्ट पहला ही सारे क्वेश्चन कर चुके सिगे, पर इस ढंग दे नाल जिहड़ा साढ़े को गैलिस ग्रुप है या गैलिस एक्सटेंशन है वो असी किद्दां उस फंडामेंटल थ्योरम नू प्रूफ करना वो असी इस ढंग दे नाल आपां करांगे। सो कोई भी साढ़े को क्वेश्चन आ जाए जिहदे विच असी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ गैलिस थ्योरी प्रूव करनी है उहनू असी इस ढंग दे नाल असी प्रूव करांगे।